प्रताप सिंह सिसोदिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं निभोरा फतेहाबाद का रहने वाला हूँ और धुमरी एटा से अभी मैं नगला शंकर से इनकी शादी करके लेके आ रहा हूँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम नीरज है। नीरज है जी। अच्छा, ये कहाँ की हैं? ये धुमरी एटा की हैं। और तो आप रिक्शे से आए हो? दरअसल क्या है कि हम यहाँ तक कार से आए हैं, गेट से रिक्शे से आए हैं। सबसे पहले हम भगवान शिव को बहुत मानते हैं और हमारे जीवन की बड़ी अजीबोगरीब घटना है। 2 साल पहले मैं स्वयं दिव्यांग दर्पण नामक पत्रिका का संपादक हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत भी करता हूँ और मुझे इन्होंने मुझसे सहायता मांगी कि आप हैंडीकैप लोगों की किस तरीके से सहायता करते हैं। तब हमने इन्हें बताया कि हम सहायता फाइनेंशियली, अगर वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं हैंडीकैप लोग तो हम उनकी उस तरीके से सहायता करते हैं, या अन्य किसी प्रकार से उन्हें कोई प्रताड़ित करता है तो मैं वकील होने के नाते उस तरीके से उनकी सहायता करता हूँ। तब समस्या इन्होंने आगे रखी अपनी, एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी उस समय कि मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ और मैं आत्महत्या करने की स्थिति में हूँ क्योंकि आज मेरा कोई नहीं है यहाँ पर। मेरे घर वाले मुझे ये कन्या गुरुकुल में छोड़ के चले गए थे आज से 10 साल पहले। अब 10 साल पहले छोड़ के चले गए थे, उसके बाद उस गुरुकुल से आप हॉस्पिटल में पहुँची, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये रहा कि हॉस्पिटल से भी जहाँ ये गुरुकुल में थी वहाँ से सहायता करना बंद कर दिया, हॉस्पिटल में पड़ी रह गई। ये चाहती थी कि मैं कुछ ठीक हो जाऊँ। तब हमें संपर्क किया तो हमने कहा कि चलिए चिंता मत करिए, हम हैं आपके लिए, हम आपकी मदद करेंगे। हमने प्रयास किया लेकिन हम उतने प्रयास में अभी सफल नहीं हो पाए, लेकिन घर वालों को पुनः हमने मनाया और हमने शादी के लिए कहा चलिए ठीक है हम शादी कर लेते हैं। तो आपने शादी अपनी इनकी मर्जी से की है कि अपनी मर्जी? इनकी मर्जी से, इन्हें खुश रखने के लिए हमने शादी की। आपको कैसा लगा इनको? अच्छा लगा। आप अपनी मर्जी से करेगा कि मम्मी पापा की मर्जी से की शादी? अपनी अपनी मर्जी से की है। वो परेशानी तो नहीं मम्मी पापा को? नहीं, अरेंज हो गई बाद में। पहले आपने लव मैरिज किया था? नहीं, लव मैरिज नहीं किया है। लव मैरिज नहीं किया, फिर अरेंज मैरिज ही हुई। हाँ, लव मैरिज करी के बाद में अरेंज मैरिज हुई है ना। हाँ। तो ये बोलो ना, आप रहने वाली कहाँ की हो? धुमरी की। धुमरी जिला? एटा। पिताजी नाम क्या है आपके? का खान सहाय। और माँ का नाम? पार्वती देवी। तो आपको पाकर कैसा अच्छा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं सीधी यहीं आई। आपका वकील साहब है? नीरज। नीरज कहाँ से आए हो? डुमरी से। जिला कौन सा पड़ता है? एटा। अच्छा, ये शादी कब हुई थी आपकी? आज ही हुई है। आज ही हुई है। आज हुई है। सीधे भगवान के दर्शन करने चले आए। तो आप सीधे ऐसे रिक्शे से आए हो? हाँ, अभी घर भी नहीं पहुँचे। अभी घर भी नहीं गई हूँ, सीधे यहीं आ रही हूँ। लॉकडाउन का पालन करते हुए आपने मास्क तो लगाया नहीं? और जो है
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।